तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका नादी टीवी में और रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। खबर मसूरी से है जहां वन विभाग ने लखवाड़ जल विद्युत परियोजना कैट प्लान के तहत ग्रामीणों को स्वरोजगार और आजीविका संवर्धन के लिए सामग्री वितरित की। मुख्य अतिथि डॉक्टर विनय भार्गव ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर द हंस फाउंडेशन और वन विभाग ने लखवाड़ जल विद्युत परियोजना से प्रभावित हुए लोगों को इंडक्शन, सिलाई मशीन और लोहार किट के साथ अन्य सामान वितरित किए। इस दौरान हंस फाउंडेशन और वन विभाग के बीच वन अग्नि संरक्षण को लेकर एमओयू साइन हुए। साथ ही वन अग्नि ऐप भी लॉन्च किया गया। द हंस फाउंडेशन के ब्लॉक मैनेजर अनुपमा सिंह ने कहा कि उत्तराखंड के 10 ब्लॉक में ग्रामीणों को वन अग्नि की रोकथाम और उसके बचाव को लेकर प्रशिक्षित किया जा रहा है। साथ ही उन्होंने उपकरण के प्रदान करने की बात भी कही है। लखवाड़ जल विद्युत परियोजना है, उसके अंतर्गत जो प्रभावित ग्राम थे उनमें जो इनकम जनरेशन एक्टिविटीज का जो एक मद रहता है और जो आजीविका संवर्धन के तहत जो कई सामग्री का डिस्ट्रीब्यूशन कार्यक्रम यहाँ पे आज आयोजित किया गया था, इसमें मेरे ख्याल से कुछ 55 लोग को आज यहाँ पे लाभान्वित किया गया है। और जो मेन उद्देश्य था वो वनाग्नि प्रबंधन से संबंधित जो हंस फाउंडेशन के द्वारा कार्यकलाप किए जा रहे हैं उसके संबंध में एक जनसहभागिता किस प्रकार से सुनिश्चित की जाए और उनको किस प्रकार से जो मॉडर्न ऐप के माध्यम से जोड़ा जाए और ताकि आग लगने के पहले और आग लगने के दौरान, आग लगने के बाद भी किस प्रकार से उनको जोड़ते हुए एक इंटीग्रेटेड एफर्ट हमें किया जा सके। देखिए, श्री रामलाल जी द्वारा बहुत ही अच्छे तरीके से प्रस्तुतिकरण किया गया था कठपुतली के माध्यम से। ये विगत 2 माह से एक प्रशिक्षण कार्यक्रम हंस फाउंडेशन के सहयोग से मसूरी वन प्रभाग में चलाया जा रहा था। इसका उद्देश्य था कि लगभग 500 ग्रामीणों को हंस फाउंडेशन द्वारा चयनित किया गया है जिनको वन अग्नि की रोकथाम हेतु प्रशिक्षण मसूरी वन प्रभाग द्वारा दिया जा रहा था। इसी कड़ी में उन लोगों को जो हमारा इन्फॉर्मेशन से शेयरिंग सिस्टम है वन विभाग का, उसके साथ उनको जोड़ने के लिए एक ऐप का निर्माण किया गया। इसका नाम है फॉरेस्ट फायर मसूरी ऐप। इसके माध्यम से जो हमारे वॉलंटियर्स हैं उनके फ़ोन में ऐप को इंस्टॉल कराया गया है और FSI से जो सैटेलाइट के माध्यम से वन अग्नि की सूचना मिलती है तो वो रियल टाइम बेसिस पे ग्रामीणों को सूचना इससे अग्नि की मिलेगी। और हमारे कंट्रोल रूम से जो ये प्रयास किया जाएगा कि जो ग्रामीण हैं उनको फर्स्ट रिस्पॉन्डर बनाया जाए।